मैं भावना सिंह, एचपीएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। हजारीबाग रेलवे स्टेशन में फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। सरकारी स्कूल की जमीन पर से अवैध कब्जे को शासन द्वारा हटाया गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आजाद हिंद किसान दिवस के मौके पर पदयात्रा निकाली गई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट पे। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत चैता दक्षिणी में सकमा से सुंदरी चौक तक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर कृषि कानूनों के खिलाफ आजाद हिंद किसान दिवस के मौके पर पदयात्रा निकाली गई। पूरे देश के अंदर दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आजाद हिंद किसान दिवस के मौके पर हम लोग चैता दक्षिणी पंचायत के अंतर्गत तीनों काला कानून वापस हो, सरकार किसान आंदोलनकारी की बात को माने, इसीलिए हम गांव में जन जागरण जत्था निकाल कर हम किसान को बताने चले हैं। और मुख्य रूप से 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड समस्तीपुर में होगा, इस बात की जानकारी को लेकर हम लोग यह भ्रमण पदयात्रा कार्यक्रम आयोजित किए। क्या नाम है आपका? उपेंद्र राय, किसान सभा जिला सचिव। क्या कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम के बारे में? आज पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के समर्थन में तीनों काला कानून के विरोध में हम लोग एक पद यात्रा के माध्यम से जागरण चलाने का अभियान कर रहे हैं और जनता को जो है बतलाने का काम कर रहे हैं। 26 तारीख मुख्य रूप से 26 तारीख को जो 26 जनवरी है, उस दिन जो है हम लोग पूरे किसान को जो है पूरे जिले को किसान को लेकर, नौजवान को लेकर, मजदूर को लेकर डीएम साहब को माध्यम से केंद्र के सरकार को बतलाना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाए और कानून वापस ले, अन्यथा जो है इससे और तीखा आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले सगरा थाना क्षेत्र के मनकहरी गांव के एक सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे को शासन द्वारा हटाया गया। तहसीलदार रतन राशि पांडे की मौजूदगी और भारी पुलिस बल के साथ ही राजस्व के अमले के साथ स्कूल को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया। आपको बता दें, मनकहरी हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों ने उसकी बाउंड्री बना ली थी, जिसे आज जेसीबी की मदद से हटाया गया। स्कूल के प्रांगण में अवैध कब्जा था, किसका था और कब से ये कब्जा था? ये अमरनाथ पाठक जी द्वारा किया गया था अवैध कब्जा, काफ़ी समय से, एक साल से करीब चल रहा था, अभी आदेश करके और फिर हटवाया जा रहा है। मैम कितने, लगभग कितने फुट जमीन? 120 बाई 120 का था ये। मनकहरी जी, मनकहरी। आज 23 जनवरी को सभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर इकट्ठे हुए और श्रद्धा बाला साहब ठाकरे जी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं ने खूब हर्षोल्लास से जिला कार्यालय पर जयंती मनाई और एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को भेजा गया, जिसमें माननीय बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजा गया। उसके बाद कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल जाकर रक्तदान किया और माननीय बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलने की कसम खाई। इस अवसर पर सर्वेश राणा जिला प्रमुख सेना सुधीर सैनी, युवा जिला प्रमुख विजय गुप्ता, भवानी सेना महिला प्रमुख मिली चौहान, नगर अध्यक्ष चकंद्राबाद राजीव सिंह, किसान मोर्चा जिला प्रमुख तेजवीर सिंह, लोधी नगर प्रमुख जंगीराबाद, प्रवेश लोधी नगर अध्यक्ष औरंगाबाद जसवंत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मीनाताई, जिला प्रभारी महिला मोर्चा दानवीर, प्रधान सोनू कुमार, अशोक कुमार, सारांश कुमार, जिला अध्यक्ष विद्यार्थी सेना मनीष कुमार, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी शिव सैनिकों ने बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलने की कसम खाई और कहा, माननीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे शरीर के हर खून के कतरे में समाये हुए हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे बाला साहब ठाकरे जी को याद करते रहेंगे।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी, व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं, डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध, नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर वन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारती, व्यापारी सुरक्षा फॉर्म युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य, युवा संगठन बुलंदशहर, बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड बुलंदशहर। अलीगढ़ का नंबर वन बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर वन कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।